हे गाइस, वेलकम टू एग्रीकल्चर आईक्यू। एग्रीकल्चर आईक्यू में आपका स्वागत है। तो गाइस, आज हम स्टार्ट करेंगे ग्रीन हाउस और उसके टाइप्स। ऑल्दो ये यहाँ पर सिलेबस में नहीं है, पर ये नर्सरी के अंदर बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है और इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि इससे जो नेसेसरी क्वेश्चंस हैं वो आ सकते हैं। अब वो आपको पता होना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं ग्रीन हाउस एंड इट्स टाइप। बहुत कुछ जानने को आपको मिलेगा गाइज। अगर आपने टेलीग्राम चैनल अगर मेरा ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम में आप ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पर एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल, जिसमें कि मेरी हर पीडीएफ आपको और वीडियो का जो नोटिफिकेशन है वो वहाँ पर बहुत जल्दी आपको मिल जाएगा। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे। तो बात करते हैं ग्रीन हाउस की। यहाँ पर तो ग्रीन हाउस सिंपली यहाँ पर जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है यहाँ पर इस तरीके से, यहाँ पर और यहाँ पर जो ट्रांसपेरेंट जो शीट है उसके में जो कवर करती है, जनरली जो विंड रेनफॉल टेम्परेचर वेरिएशन और इंसेक्ट और डिजीज़ के कारण इन सब को बचाते हैं यहाँ पर जो प्लांट को, तो सिंपली ग्रीन हाउस उसे कहते हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से आप देख भी सकते हैं ग्रीन हाउस, ये टिपिकल एग्जांपल है। ऑल्दो यहाँ पर ये जो नॉर्मली है इंडिया में जनरली पॉली हाउस और ग्रीन हाउस ही यूज़ होते हैं, तो इस तरीके से ये यहाँ पर ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर ग्रीन हाउस के, अगर हम अंदर की बात करें तो सिंपली यहाँ पर आपको दिखेगा यहाँ पर इस तरीके से फ़ैन यहाँ पर दिखेगा, क्योंकि जब गर्मियों का टाइम आता है तो हीट अंदर बहुत ही ज़्यादा हो जाती है, लगभग 50 के ऊपर चले जाते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस के। तो नेसेसरी जो यहाँ पर जो हीट है यहाँ पर उसको बाहर निकालने के लिए फ़ैन लगाया जाता है, ताकि थोड़ा ठंडक बनाए रखे और जो टेम्परेचर है उसको मेनटेन कर सके। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो इरीगेशन के लिए यहाँ पर जो बिल्कुल पाइप लगाए गए हैं ये ऑटोमेटिक है, यहाँ पर जो बिल्कुल स्टार्ट करना है यहाँ पर और वो अपना आप ही यहाँ पर पूरी जो नर्सरी है उसको इरिगेट कर लेंगे। कंट्रोल पैनल दिया गया है यहाँ पर देखेगा जो टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए, और यहाँ पर जो रीइंफोर्समेंट पार्ट है यहाँ पर ये इस तरीके से दिया है, और जो लाइट है यहाँ पर वेंटिलेशन के लिए, और यहाँ पर जो नेसेसरी जो हीट करने के लिए वो भी यहाँ पर दिया गया है लाइट। तो इस तरीके से ये यहाँ पर जो टिपिकल एग्जाम्पल है जो इंटीरियर का ग्रीन हाउस का वो यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पर कि ग्रीन हाउस हमें चाहिए क्यों, ऑर्नामेंटल के केस में यहाँ पर हमें नीड क्या है। तो यहाँ पर सिंपली यहाँ पर प्रोपगेशन ऑफ प्लांट फ्रॉम सीड, सॉफ्टवुड कटिंग, हार्डवुड कटिंग के लिए यहाँ पर जो प्रोपगेशन है उनको उगाना और उनका प्रोपगेशन करना वो इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पर ब्रीडिंग प्लांट्स लाइक पेटूनिया, पेनियासा, एग्रेटम एटसेट्रा, कट फ्लावर, रोज, क्राइसेथियम, गर्बेरा, कार्नेशन, ऑर्चिड, एंथेरियम एटसेट्रा। पॉटेड प्लांट्स के लिए यहाँ पर इंपॉर्टेंट है यहाँ पर ग्रीन हाउस, क्राइसेंथियम, पॉइंस्टार्स, एजिला, गेरेनियम, रोजेज एटसेट्रा, और यहाँ पर इंडोर और शेड लविंग प्लांट के लिए भी इंपॉर्टेंट है ग्रीन हाउस। नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस से क्वेश्चन सीधे सीधे बन सकता है यहाँ पर, तो वो आपको देखना है। तो टाइप्स ऑफ ग्रीन हाउस की अगर हम बात करें तो ग्रीन हाउस जनरली डिपेंड दो ब्रॉड ग्रुप में यहाँ पर करेक्टराइजेशन इसका किया जाता है। कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन, नेमली कि कितनी कॉस्ट है, मतलब लगाने का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना है, उस हिसाब से यहाँ पर लो कॉस्ट और मीडियम टू हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस दिए गए। लो कॉस्ट में सिंपली गाइज यहाँ पर जो फ्रेम ऑफ स्टील का यूज़ किया जाता है, एल्यूमिनियम, बैम्बू या फिर वुड का कवरिंग करने के लिए प्लास्टिक फिल्म और नेट जनरली इसमें यूज़ होता है लो कॉस्ट ग्रीन हाउस में। ये यहाँ पर टिपिकल एग्जाम्पल है यहाँ पर लो कॉस्ट, यहाँ पर जो बैम्बू है उस तरीके से यहाँ पर, और स्टील का यूज़ होता है, और कवरिंग के लिए सिंपली यहाँ पर पॉलीथीन शीट जैसे कि इसको कवर कर दे। लो कॉस्ट है और थोड़ा कॉस्ट लो कॉस्ट है यहाँ पर और बहुत ही इफेक्टिव है यहाँ पर, और जो छोटे मोटे इंसेक्ट हैं या फिर जो जनरली जो हार्श रेन नहीं है उनसे बहुत ही अच्छा यहाँ पर बचाव हो सकता है। मीडियम टू हाई कॉस्ट की अगर हम बात करें यहाँ पर तो सिग्निफिकेंटली यहाँ पर बहुत ही अच्छा इक्विपमेंट यहाँ पर यूज़ होते हैं, और बहुत ही हार्ड प्लास्टिक और यहाँ पर जो एल्युमिनियम है उसका यूज़ होता है। जनरली यहाँ पर बहुत सारे सिस्टम, वेंटिलेटर, यहाँ पर एग्जॉस्ट फैन, यहाँ पर टेम्परेचर कंट्रोल, यहाँ पर सब कुछ यहाँ पर दिया रहता है। और यहाँ पर जो एग्जांपल है उसके यहाँ पर सिंपली यहाँ पर देखिए, कंजर्वेशन ग्रीन हाउस, डोम शेप ग्रीन हाउस, एल्पाइन, पॉलीगोनल, यहाँ पर ये दिए गए। इन सबको यहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे हम आगे जाके। दूसरा टाइप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये ग्रीन हाउस यहाँ पर क्लासिफाई इनटू टू ग्रुप बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ फ्रेमवर्क एंड एनवायरमेंटल कंट्रोल। यहाँ पर पहले हमने कॉस्ट यहाँ पर जो वो इन्वेस्टमेंट है उसके हिसाब से यहाँ पर वो करेक्टराइजेशन किया था। नेक्स्ट हम बात करेंगे फ्रेमवर्क
और इन्वायरमेंटल कंट्रोल के, उस हिसाब से यहाँ पर दो टाइप है, यहाँ पर कन्वेंशनल ग्रीन हाउस और स्पेशल ग्रीन हाउस। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशनल ग्रीन हाउस। गाइज ये यहाँ पर मीडियम टू हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस का यहाँ पर ये पिक्चर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर काफ़ी बड़ा है। यहाँ पर एक तो यहाँ पर बहुत लार्ज एरिया रहता है, और इक्विपमेंट देखिए आप यहाँ गाइज पूरा यहाँ पर स्प्रिंकलर के यहाँ पर लगाए गए हैं, यहाँ पर रॉड वगैरह सब लगाई गई है, बहुत ही अच्छे यहाँ पर इस्तेमाल किया गया है सब चीज़ों का। ये हाई कॉस्ट ग्रीन हाउस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कन्वेंशनल ग्रीन हाउस की। कन्वेंशनल ग्रीन हाउस यहाँ पर सिंपली यहाँ पर एल्युमिनियम और टिम्बर का यूज़ होता है, या तो पूरा जो यूज़ होता है वो ग्लास का होता है, या फिर सॉलिड वॉल का होता है। जो कन्वेंशनल ग्रीन हाउस है उसमें बहुत सारे तरह तरह की एसेसरीज होती है, शेल्स होते हैं, शेल्स आपको पता होगा, स्टेजिंग होती है यहाँ पर ताकि उसमें निखार आवे, बहुत ही अट्रैक्टिव लगे। शेल्स यहाँ पर जो अलमारी टाइप की होती है जगह जहाँ पर चीज़ें रखी जाती है, इसका एग्जांपल यहाँ पर है जनरली यहाँ पर ट्रेडिशनल और थ्री क्वार्टर स्पैन, ये यहाँ पर कन्वेंशनल ग्रीन हाउस का यहाँ पर आपको पिक्चर दिख रही होगी। नेक्स्ट हम बात करते हैं ट्रेडिशनल स्पैन ग्रीन हाउस की। जो ट्रेडिशनल स्पैन ग्रीन हाउस है उसमें वर्टिकल साइड यहाँ पर जनरली और जो रूफ है वो बहुत ही प्रैक्टिकल बनाया जाता है, ताकि स्पेस और हेडरूम उसमें मिल सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो रेजिंग सीडलिंग है और जो बॉर्डर क्रॉप है वो ग्रो हो सके। ट्रेडिशनल स्पैन ग्रीन हाउस यहाँ पर जनरली आपको इस तरीके से दिखेगा। नेक्स्ट है आपका थ्री क्वार्टर स्पैन ग्रीन हाउस। इट इज़ डेवलप विथ वन ऑफ साइड अगेंस्ट अ वॉल। यहाँ पर देखिए अगर वॉल है, कोई भी अगर दीवार है, तो उसके एक साइड में बनाया जाता है ये थ्री क्वार्टर स्पैन ग्रीन हाउस, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइट पास हो सके कंपेयर टू ट्रेडिशनल मॉडल। ट्रेडिशनल स्पैन ग्रीन हाउस के बजाय यहाँ पर जो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर लाइट आ सके, और एक्स्ट्रा शेडिंग भी दी जाती है समर सीजन में, एक्स्ट्रा शेडिंग मिल सके यहाँ पर जो ब्रिक की वजह से यहाँ पर जो दीवार है, जिससे कि जो समर सीज़न में उसमें डायरेक्ट सनलाइट ना आए पौधों में और वो मरे नहीं। तो यहाँ पर इस तरीके से यहाँ पर थ्री क्वार्टर स्पैन ग्रीन हाउस है, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका स्पेशल ग्रीन हाउस। जैसे कि हमने बताया यहाँ पर जो फ्रेमवर्क के आधार पर कन्वेंशनल और स्पेशल ग्रीन हाउस है, तो यहाँ पर फ्रेमवर्क इन्वायरमेंटल कंट्रोल के हिसाब से दो है, कन्वेंशनल और स्पेशल। कन्वेंशनल यहाँ पर हो चुके हैं, यहाँ पर स्पेशल की अगर हम बात करें तो स्पेशल ग्रीन हाउस जैसे नाम से पता चल रहा है, स्पेशल कारणों से यहाँ पर जो ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं वो जनरली यहाँ पर हाई वैल्यू क्रॉप प्रदान करते हैं और हाईली डेकोरेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पॉलीटनल, ग्राउंड टू ग्राउंड, गेबल टाइप, कॉन्सर्ट कंजर्वेशन, यहाँ पर डोम शेप और अल्पाइन हाउस। तो धीरे धीरे यहाँ पर सबको जानते हैं। पॉली टनल की अगर हम बात करें तो सिंपली यहाँ पर 6 फीट हाइट की यहाँ पर जो फ्रेम होता है वो कवर्ड होता हैवी ड्यूटी प्लास्टिक शीट, जिससे कि यहाँ पर जो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम कोल्ड एंड फ्रॉस्ट फॉर शॉर्ट पीरियड, यानी शॉर्ट पीरियड के लिए यहाँ पर अगर मौसम ख़राब होने के चांसेस हैं, या फिर जो महीना ही है वो पूरा ही यहाँ पर फ्रॉस्ट और कोल्ड, या फिर बर्फ़ यहाँ पर ज़्यादा गिरती है, तो शॉर्ट पीरियड के लिए टाइम के लिए यहाँ पर इस चीज़ को बनाया जाता है पॉली टनल्स को, जिससे कि ये एक तो बहुत लंबी होती है, मैं आपको पिक्चर के द्वारा दिखा देता हूँ, एक तो बहुत यहाँ पर देखिए लंबी होती है यहाँ पर पॉली टनल्स, और जिससे कि जो फ्रॉस्ट है और हैवी ड्यूटी प्लास्टिक की वजह से यहाँ पर जो रेन है और बहुत ही हार्श जो यहाँ पर बर्फ़ गिरेगी उससे जो नर्सरी है वो बच सकती है। तो सिंपली यहाँ पर पॉली टनल इसलिए यूज़ होता है। नेक्स्ट है यहाँ पर ग्राउंड टू ग्राउंड कवर। दीज हाउस आर कंस्ट्रक्टेड बाई यूजिंग स्टील ट्यूबिंग एंड सिंगल और ड्यूबल पॉलीथिलीन लेयर। स्टील ट्यूबिंग का यहाँ पर यूज़ होता है और पॉलीथिलीन यहाँ पर जो लेयर होता है। यूवी स्टेबल फाइबर ग्लास कैन ऑल्सो बी यूज फॉर कवरिंग द आइडियल, और यहाँ पर जो यूवी स्टेबलाइज फाइबर ग्लास है उसको भी यहाँ पर यूज़ किया जा सकता है। जो डायमेंशन है यहाँ पर वो बहुत इंपॉर्टेंट है, 30 फीट का यहाँ पर होना चाहिए विड्थ, 96 फीट की यहाँ पर लेंथ होनी चाहिए, और 10 to 12 फीट यहाँ पर सेंट्रल हाइट होनी चाहिए। द ग्रीन हाउस कैन बी स्टैंड अप टू, यहाँ पर ये डिपेंडिंग है अपनी नीड के अनुसार, 120 से 140 फीट यहाँ पर इसको बढ़ाया जा सकता है डिपेंडिंग ऑन द नीड। ग्राउंड टू ग्राउंड ग्रीन हाउस का यहाँ पर टिपिकल यहाँ पर पिक्चर है आपको, ये आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका गेबल टाइप ग्रीन हाउस। सिंपली यहाँ पर ज़्यादा नहीं है, बस मैं आपको बताऊँगा साइज यहाँ पर देख लेंगे। यहाँ पर 29 फीट विड्थ होनी चाहिए, 96 से 120 फीट लेंथ होनी चाहिए, और हाइट यहाँ पर 8 से 9 या फिर 12 से 14 फीट होनी चाहिए। जनरली गाइस यहाँ पर गेबल टाइप आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्क्वायर और यहाँ पर ट्रायंगल जो यहाँ पर केबल है उनका यूज़ होता है, जनरली केबल नहीं, एल्यूमिनियम जो
वो है यहाँ पर जो केबल है उनका यूज़ होता है, और उसके द्वारा इनको बनाया जाता है। यहाँ पर देखिए ट्रायंगल और स्क्वायर, तो इनके द्वारा बनाया जाता है और इनको चिपका दिया जाता है सिंपली गटर के द्वारा। और यहाँ पर ये जो बिल्कुल सीरीज है वो बन गई है, तो इन्हीं को यहाँ पर गेबल टाइप कहा जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर क्विंसॉन्ट ग्रीन हाउस। द शेप ऑफ द रूप ऑफ दिस हाउस ग्रीन हाउस विल बी सेमी राउंड। सिंपली आप देख सकते हैं यहाँ पर स्ट्रक्चर बिल्कुल सेमी राउंड, यहाँ पर जो डी टाइप का है वहाँ पर ये यूज़ होता है। कवर करने के लिए सिंपली यहाँ पर पॉलीथीन फाइबर ग्लास और पॉलीकार्बोनेट शीट यहाँ पर यूज़ होती है। यहाँ पर डायमेंशन हम देख लेंगे, 96 से 120 फीट लेंथ होनी चाहिए, वाइड यहाँ पर 29 फीट होना चाहिए, और जो हाइट है यहाँ पर 12 से 14 फीट होनी चाहिए। इससे आप समझ सकते हैं क्विंसेंट ग्रीन हाउस। नेक्स्ट है आपका कंजर्वेशन ग्रीन हाउस। सिंपली यहाँ पर कंजर्वेशन, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है, सिंपली ग्रीन हाउस यहाँ पर बनाया जाता है ताकि सेव एनर्जी की सके ज़्यादा से ज़्यादा। जो रूफ़ है, रूफ का पैनल है वो एंगल होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लाइट पेनिट्रेट कर सके मायरर प्लेट के द्वारा, ताकि और मायरर प्लेट से जहाँ जो रिफ्लेक्ट लाइट है वो विद इन ग्रीन हाउस में रहे। कंजर्वेशन ग्रीन हाउस इसे ही कहते हैं। डोम शेप ग्रीन हाउस की अगर हम बात करें, तो डोम यहाँ पर नाम से ही पता चल रहा है, डोम शेप कुछ इस तरीके से होता है। डोम शेप देख लेते हैं इसको। इन दिस टाइप ऑफ एलिगेंट ग्रीन हाउस लाइट पेनिट्रेशन इज एक्सीलेंट थ्रू मल्टी एंगल ग्लास पैंस। यहाँ पर आपको दिख ही रहा है यहाँ पर जो डोम शेप है, क्योंकि तो यहाँ पर जो लाइट है वो बिल्कुल बहुत ही अच्छी तरीके से अंदर पेनिट्रेट करती है, और ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा जो वार्म्थ है वो टेम्परेचर यहाँ पर बना रहता है। नेक्स्ट है यहाँ पर अल्पाइन हाउस। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस इज टिम्बर्ड फ्रेम विद वेंट्स एक्सटेंडिंग ऑल अलोंग द साइड्स ऑफ साइड फॉर प्रॉपर वेंटिलेशन। जनरली अल्पाइन हाउस आर नॉट हीटेड एंड नॉट सुटेबल फॉर टेंडर प्लांट। टेंडर प्लांट्स के लिए बिल्कुल नहीं होता है। प्लांट विच कैन थ्राइव इन ब्राइट, यहाँ पर जो ब्राइट लाइट और थोड़ा गर्मी में जो प्लांट यहाँ पर जो आ सकते हैं नर्सरी में, उन्हीं का यूज़ होता है। अल्पाइन हाउस जनरली यहाँ पर इस तरीके से होता है, ये आप देख सकते हैं अल्पाइन हाउस। यहाँ पर अंदर जो प्लांट है वो रखे हैं, और जो डायरेक्ट सनलाइट है वो यहाँ पर देखिए पड़ रही है इस तरीके से एल्पाइन हाउस। नेक्स्ट है आपको पॉलीगोनल ग्रीन हाउस। दिस टाइप ऑफ ग्रीन हाउस में प्रोवाइड अ फोकल पॉइंट इन अ लार्ज गार्डन। दे आर यूजुअली मोर एक्सपेंसिव देन अ ट्रेडिशनल ग्रीन हाउस। फिटिंग रिप्लेसमेंट ऑफ ग्लास पैन इन अ डिफिकल्ट जॉब फॉर पॉलीगोनल ग्रीन हाउस। सिंपली गाइज यहाँ पर जो पॉलीगोनल है, नाम से अगर आप पता चल रहा होगा, तो बहुत सारे पॉलीगोनल से यहाँ पर ग्रीन हाउस बनाया जाता है। हालांकि ये देखने से यहाँ पर डोम शेप लगता है, पर ये डोम शेप है नहीं, जनरली बहुत ही लॉन्ग यहाँ पर बनाया जाता है इस तरीके से। यहाँ पर जो कट है वो यहाँ पर बहुत ही लेंथी यहाँ पर बनाया जाता है इस तरीके से। और यहाँ पर देखिए जो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि यहाँ जो शेप वेप करने में बहुत टाइम लगता है यहाँ पर। और जो फिटिंग है बाई चांस किसी कारणवश यहाँ पर रिपेयरिंग का बहुत ही ज़्यादा खर्चा हो जाता है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट जॉब है, टाइम कंज्यूमिंग है यहाँ पर, और ये बहुत ही डिफ़िकल्ट है। पॉलीगोनल ग्रीन हाउस जनरली यूज़ नहीं होते, कम यूज़ होते हैं, पर किसी अगर रेगुलर नीड है यहाँ पर तो पॉलीगोनल ग्रीन हाउस यहाँ पर बनाया जाता है। तो गाइस ये था आज का सेशन, आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। तो टेलीग्राम चैनल पे गाइस जरूर यहाँ पर फॉलो करिए मेरे को, ताकि आपको जो इसकी पीडीएफ है वहाँ पर बिल्कुल आराम से मिल जाए। यहाँ पर ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल टुडे एग्रीकल्चर आईक्यू ऑफिशियल। तो गाइस ये था आज का सेशन, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।